कौन होने वाला टारगेट? यार टेक्निकली जिसको उड़ाना था वो तो फिलहाल आइडल मैच में बैठ गए हैं। पहले तो ये मेरे को लगता है हर्ष बहुत किंग 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 कर रहा है, आइडल मैच से हट जाए तो मजा आएगा। हाँ। थोड़ा और गेम में कि रुशाली को अगर उड़ा दिया तो सुनने में ये आया है कि गेम छोड़ देगा हर्ष। छोड़ेगा किस किस से प्यार करूं वाला सीन है शुभी या रुशाली? What's up guys, this is your insider Hamid Barakzi. I have with me the winning idol match aaj ke challenge se. Congratulations. Thank Naira you. Naira ne bahut mehnat kari aaj ke challenge mein, hai na Naira? Batao zara kaisa tha challenge aapke liye? Main thodi khud se disappointed hu because balancing mera nahi ho paya. Maine socha tha strength hai, main strength pe focus karti reh gayi but balancing mera gadbad ho gaya. Koi nahi, is task mein maine sambhal liya, agle mein tu sambhal liyo. Haan, ye to ab idol match hai to teamwork hi hai, obviously aada ye 50-50% theek hai. Dekhiye Killed it. Yeah. फिर से ठीक है, क्या था कुछ मुश्किल था? नहीं पता है, थोड़ा सा वेट करके और देख के कि भाई किसका बैलेंस बिगड़ना है तब हिट करना था, बस इतना ध्यान रख रहा था और बाकी कुछ चीजें दिमाग में चल रही थी। कल डो में बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई तूने क्या किया है, तू क्या करके बैठ गया, कौन है लोग, मुझे मुझे नाम दो। आकृति हो गई, फिर ये अनिका बहुत बोल रही थी, तो मतलब ऐसा आज बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब विजय नायरा आसमान से गिरे और सीधा ओरिकल के सामने आके गिरे और आइडल मैच बन गया, ऐसा हुआ था? वो कह रहे उनके अकॉर्डिंग ऐसा था, उनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि मैंने कुछ नहीं किया, नायरा ने मुझे पिक किया और हम आइडल मैच बन गए। खुद एक बंदे के कंधे पे बैठ के पूरे शो पे तुम आ गए और फिर दूसरे पे आके पॉइंट आउट करते हो, वेरी इजी। हमने देखा लक्ष्य और आप और हर्ष परफॉर्म कर रहे थे एंड हर्ष तीनों बारी सबसे पहले नीचे गिरा, तो तुम लोगों ने कुछ स्ट्रेटजी बना रखी थी कि मैंने और हर्ष में से एक ने जीतना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा लक्ष्य खास दोस्त है, मेरा भाई है, तो मतलब स्टार्टिंग में ऐसा था कि भाई हर्ष को पहले नीचे गिरा देंगे। Okay. और मुझे लगा था कि भाई थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा, दो तीन पंचेस मारने पड़ेंगे, कुछ बैलेंस बिगाड़ना पड़ेगा। पहले दो राउंड में तो दो पंच मैंने उसके चेस्ट पे मारे और धम नीचे खत्म। तो तुमने स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी, तूने और लक्ष्य ने बेसिकली मतलब बनाई थी कि भाई हाँ पहले उसको करेंगे, ठीक है? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उसको गिरा दिया तो ऑब्वियसली सब विन-विन सिचुएशन तुम दोनों के लिए, है ना? लक्ष्य जीते हैं, मैं जीतूं, क्योंकि गेम बड़े लास्ट मोमेंट्स पे है, ध्यान तो रखना है कि भाई अपने लोग जीते, अगर हम ना जीते तो एटलीस्ट। सही बात है, ऑब्वियसली स्मार्ट गेम। कल के डोम में जो वो लोग आइडल मैच बने तो कहीं ना कहीं लगा था कि तुम्हें रिप्लेस करेंगे, तुम्हारी पावर्स ले लेंगे? लग तो रहा था, बिकॉज जैसे ही मैंने अनिका की तरफ देखा तो उसका यही बोलना था कि हम दोनों ने शिवेत का नाम लिखा है, उसको रिवेंज लेना था, ब्रेन यूज नहीं करने थे कि हमसे रिवेंज को ले नहीं सकती, हम वहाँ पे जाएंगे परफॉर्म करके वापस आ भी सकते हैं, बट जो पावर में बैठे हैं इतने टाइम से हर्ष, उसकी तरफ उसको देखना चाहिए था, उनको हटाना चाहिए था, बिकॉज वो बंदा अलग गेम चला रहा है। क्या कैसे गेम चला रहा है हर्ष? हर्ष का गेम बेसिकली ये है, जब पिछले चैलेंज में बारी थी चूज करने की, तो वो चाहते तो रुशाली और अरबाज को चूज कर सकते थे, बट उनका ये कहना था कि तीसरा आइडल मैच नहीं चाहिए, बट ब्रो इट्स योर कनेक्शन, इट्स योर ब्रदर, सो इवन इफ दे बिकम एन आइडल मैच इट विल हेल्प यू, राइट? बट ही वाज सो इनसिक्योर कि मेरी पावर नहीं जानी चाहिए, वहां पे उन्होंने गेम खेला और ये कोई नहीं समझ पाया इस चीज। तो जो हमें डो में देखने को मिलता है कि वो अपने पावर से ज्यादा खुश भी नहीं है, वो सच है कि वो बस दिखावा है? नहीं नहीं, बहुत खुश है वो, सिर्फ एक्टिंग चल रही है कि भाई मेरे को पावर नहीं चाहिए, तुम्हारे पास चॉइस था, तुम पावर गिव अप कर देते, बैठ जाते वहां पे। तो मतलब वो इस सीजन का कशिश ठाकुर है? ये पर्सनल यस डेफिनेटली। नेक्स्ट डोम में कौन होने वाला टारगेट? यार टेक्निकली जिसको उड़ाना था वो तो फिलहाल आइडल मैच में बैठ गए हैं, तो अभी सोचना पड़ेगा। अनिका भी, अनिका भी, लक्ष्य तो, लक्ष्य तुम्हारा भी, लक्ष्य तो दोस्त है, लक्ष्य दोस्त है दोनों का, और अब अनिका से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लक्ष्य का कनेक्शन है, वो भी आगे जाए गेम में, कोई दिक्कत वाली बात। गुड, ठीक है, तो इससे तो बोल दिया कि इसकी प्रायोरिटी हो गया लक्ष्य और उसकी कनेक्शन आने का, आपको देख के लग नहीं रहा कि आपकी प्रायोरिटी नहीं है? बिकॉज मुझे ऑनेस्टली कुछ पर्सनल बीफ नहीं है, बट मुझे लगता है वो डिजर्विंग नहीं है, तो उसके पास दिमाग नहीं है, उसको नहीं पता खेलना कैसे, तुम अपने दुश्मन को ही अपने साथ बिठा रहे हो, एक तरफ तुम बोलते हो कि मेरे बंदे को निकाला, उसी के साथ तुम परफॉर्म भी कर रहे हो, तो गेम प्लान ही नहीं है कुछ भी। क्या पता यही गेम प्लान हो? नहीं, शी इज दैट डम, मुझे पता है वो गेम प्लान नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इमोशनली तो खेल रही है, इमोशनली खेल रही है, एग्जैक्टली, शिवेत शायद सिखा के नहीं गया उसको थोड़ा बहुत, और बाकी कोई दोस्त ही नहीं है ज्यादा, उन्नति प्रायोरिटी है मेरी, और फिर चलो उसके साथ सचिन लगा लो, बाकी कोई भी जाए मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरा दोस्त नहीं है। हाँ, obviously, अरबाज आपकी प्रायोरिटी हो गई, उसने अपनी प्रायोरिटी बता दी। तो तू लक्ष्य की बंदी अनिका को प्रायोरिटी बना रहा है, तो अरबाज भी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरबाज है, अरबाज का नाम आप ले दो, गुस्सा मत करो, नायरा भी से गुस्सा हो रही है, ठीक है? तो ये तो हो गया अनिका की बातें, अब टारगेट पे उसके अलावा कौन है? चलो अगर वो आइडियल मैच है, शी इज सेफ, देन हु इज द टारगेट? पहले तो ये मेरे को लगता है हर्ष बहुत किंग 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 कर रहा है, आइडल मैच से हट जाए तो मजा आएगा। हाँ, थोड़ा और गेम में exactly. जब ये डंपिंग जोन में खड़ा होगा ना, तो मैंने इसको देखना है कि भाई कैसे वहाँ गुल खिलाता है, वहाँ क्या गेम खेलता है।
वहाँ कितने डायलॉग्स और एक्टिंग निकलती है, दैट वी हैव टू सी। आज निकल रहे थे चैलेंज के बाद? आज तो पूरा एकदम शेर से म्याऊं। नहीं सर, मैं नहीं, गुड, इसने अच्छा खेला, इसने बढ़िया किया, हम ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस है, ये ज्ञानगत किया, ये किया, आज तो पूरा ऐसे म्याऊं बन रखा था। पर मुझे लगता है आज रुशाली अनसेफ है ना, तो शायद इसलिए वो सेफ खेल रहा है कि मैं ज्यादा पंगे लूंगा, मेरी बंदी को उड़ा दे, तो हो सकता है। You never know. Everything that he does, there is a reason behind it. Last question, यही पूछूंगा रुशाली की, बताई कि रुशाली को अगर उड़ा दिया तो सुनने में यह आया है कि गेम छोड़ देगा हर्ष, छोड़ेगा? यार पहली बात ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, उसको मौका मिलेगा तो वो शूबी के साथ ही जीत जाएगा, उसको सिर्फ जीतने से मतलब है, that's it. We all know it. प्यार है कि नहीं है? किससे? किस किस से प्यार करूं वाला सीन है, शूबी या रुशाली? आप अपने लिए आए हो यहाँ पे, डेफिनेटली ठीक है, सबसे पहले आप, और आप साथ में ही जीत सकते हो, तो थोड़ा वो सोचो और फिर देखो। सो ऑल द बेस्ट, ओके नायरा जी, ओके नायरा जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हमें लगे रहो, लगे रहो गाइस, दैट वाज नायरा एंड दिग्विजय, यू गाइस कीप वॉचिंग MTV स्पेशल 15।